अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइए जानते हैं आज दुनिया भर के ताज़ा तरीन करंसी एक्सचेंज रेट। अपनी फैमिली से इस्तेदा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। आइए जानते हैं आज के नए रेट्स। मलेशियन रंगवट 64.96 रुपये और कीमत फरोख्त 65.56 रुपये। थाई बट 8.33 रुपये और कीमत फरोख्त 8.48 रुपये। इंडियन रुपये कीमत अखरीद 3.47 रुपये और कीमत फरोख्त 3.58 रुपये। चाइनीज यान कीमत तकरीब 40.90 रुपये और कीमत फरोख्त 41.30 रुपये। नॉर्वेजियन क्रॉन कीमत तकरीब 27.93 रुपये और कीमत फरोख्त 28.23 रुपये। स्वीडिश क्रोना कीमत तकरीब 27.32 रुपये और कीमत फरोख्त 27.62 रुपये। स्विस फ्रैंक 317.72 रुपये और कीमत फरोख्त 320.22 रुपये। डेनिश क्रोन 41.73 रुपये और कीमत फरोख्त 42.13 रुपये। जापानी येन कीमत तकरीब 2.15 रुपये और कीमत फरोख्त 2.20 रुपये। ओमानी रियाल 736.27 रुपये और कीमत फरोख्त 744.27 रुपये। कुवैती दिनार 925.58 रुपये और कीमत फरोख्त 934.58 रुपये। बहरीन दिनार 753.99 रुपये और कीमत फरोख्त 761.99 रुपये। सिंगापुर डॉलर 210.50 रुपये और 212.50 रुपये। हांगकॉन्ग डॉलर कीमत तकरीब 36.24 रुपये और कीमत फरोख 36.59 रुपये। न्यूजीलैंड डॉलर की आज नई कीमत तकरीब 174.17 रुपये और कीमत फरोख 176.17 रुपये। कतरी रियाल 78.60 रुपये और कीमत फरोख 79.30 रुपये। कैनेडियन डॉलर की आज नई कीमत तकरीब 210.50 रुपये और कीमत फरोख 212.50 रुपये। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत तकरीब 189 रुपये और कीमत फरोख 191 रुपये। ब्रिटिश पाउंड कीमत तकरीब 356 रुपये और कीमत फरोख 359 रुपये। यूएई दिरहम की आज नई कीमत तकरीब 78.20 रुपये और कीमत फरोख 79 रुपये। जबकि सऊदी रियाल की आज ओपन मार्केट में कीमत तकरीब 76.20 रुपये और कीमत फरोख 70 रुपये। यूएस डॉलर ताज़ा तरीन अपडेट। व्यूवर्स आई जानते हैं आज अमेरिकी डॉलर की नई कीमतें। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करें तो यूएस डॉलर का नया बाइंग रेट 279.88 रुपये। जिसके बाद इंटरबैंक पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो व्यूवर्स आज इंटरबैंक पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर की ताज़ा तरीन कीमत तकरीब 283.30 रुपये और कीमत फरोख 283.90 रुपये। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो व्यूवर्स आज ओपन मार्केट पाकिस्तान में यूएस डॉलर की नई कीमत तकरीब 288 रुपये और कीमत फरोख 290.30 रुपये तक पहुंच गई। जबकि यूरो की आज ओपन मार्केट में कीमत तकरीब 310 रुपये और कीमत फरोख 313.50 रुपये तक पहुँच गई।